हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिव लाइव विद वंदना। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा वॉल डेकोर शेयर करने वाली हूँ और इसे बनाने के लिए मैं इस तरह का कार्डबोर्ड यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड को सर्कल में कट कर लिया है और इसके बीच से भी मैंने एक सर्कल कट करके निकाल दिया है और इसे कुछ इस शेप में कट कर लिया है। तो इसे मैंने फेविकॉल की हेल्प से आपस में स्टिक कर लिया है और अब मैं इसके चारों तरफ मास्किंग टेप को लपेट लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मास्किंग टेप को स्टिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर एक लेयर जैसो की अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर वाइट वॉल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसो की लेयर अच्छे से ड्राई हो गई है और मैंने इस पर कुछ कार्बन की हेल्प से ड्रॉ कर लिया है। इस पिक्चर को मैंने प्रिंटेज से डाउनलोड करके बाद में इसका प्रिंट आउट निकाल लिया और इसी की हेल्प से मैंने इस कार्डबोर्ड पे इसे ट्रेस कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर कोन लाइनर की हेल्प से सबसे पहले इसकी आउटलाइनिंग कर लूँगी। तो इस तरह से इसकी आउटलाइनिंग करने के बाद हम इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब हम इसे पेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से ड्राई हो गया है तो मैं इसे अब पेंट कर ले रही हूँ और इसे पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंट अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर मिरर को स्टिक करूँगी। आपके पास जिस भी शेप के मिरर हो आप यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरे कान्हा जी को मिरर से कवर करने वाली हूँ। तो अब मैं इसमें ग्लू लगाकर इसके ऊपर मिरर को स्टिक कर लूँगी। आप यहाँ पर किसी भी ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर इस तरह के DIY ट्राई करते हैं तो इसे बनाने के लिए आप छोटे शेप के मिरर का यूज़ करें, इससे ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो मैं यहाँ कान्हा जी को कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पर मटकी को भी डेकोरेट कर ले रही हूँ और इसे भी डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर मिरर और कुछ स्टोन का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इस सर्कल के चारों तरफ भी छोटे स्टोन स्टिक कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर मिरर भी स्टिक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक्रिलिक पेंट की हेल्प से इसमें छोटे छोटे डॉट्स लगाकर भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर स्टोन स्टिक करने के बाद इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर वाइट कोन लाइनर की हेल्प से इसकी आउटलाइनिंग कर ले रही हूँ। आपके पास अगर गोल्डन या सिल्वर कलर का कोन लाइनर है तो उससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मेरे पास फ़िलहाल अभी गोल्डन और सिल्वर कलर की कोन लाइनर नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पर वाइट कोन लाइनर का यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से मैं इसे कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो अब हम इस मटकी को डेकोरेट करेंगे। तो मटकी को मैं थोड़ा कलरफुल बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर का यूज़ करते हुए इसे पेंट कर ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने मटकी को पेंट कर लिया। अब हम यहाँ पर एक बांसुरी बनाएंगे। तो बांसुरी बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस मोर पंख के नीचे वाले हिस्से का यूज़ कर रही हूँ। तो इसे हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे और उसके बाद मैं इसके ऊपर इस तरह के गोल्डन रिबन को स्टिक कर ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह से ये हमारी छोटी सी बांसुरी बनकर रेडी हो गई है। तो इस बांसुरी को हम इसके नीचे स्टिक करेंगे, पर अभी थोड़ी और डिटेलिंग बाकी है तो इसे हम एंड में स्टिक करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इस मटकी की आउटलाइनिंग के लिए भी यहाँ पर कोन लाइनर का यूज़ कर रही हूँ।
तो कोन लाइनर से आउटलाइनिंग बनाने के बाद अब हम इसमें मक्खन बनाएंगे। तो मक्खन बनाने के लिए भी मैं यहाँ पर व्हाइट कोन लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो व्हाइट एक्रेलिक पेंट की हेल्प से भी मक्खन को बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर कॉटन भी स्टिक कर सकते हैं। इसे ये देखने में बहुत ही रियल लुक दे रहा है। अब मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर की तरफ राधे राधे लिख ले रही हूँ। आप जय श्री कृष्णा या कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से डिज़ाइन करके बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से कोन वर्क कंप्लीट करने के बाद हम इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर एक मोर पंख ले ली हूँ जिसे कि मैं यहाँ पर स्टिक करूँगी। तो ये थोड़ा लंबा है तो मैं इसे थोड़ा कट कर लूँगी और उसके बाद मैं ग्लू गन की हेल्प से इसे इसके ऊपर स्टिक कर लूँगी। आपके पास अगर मोर पंख नहीं है तो आप यहाँ पर मोर पंख ड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से रियल मोर पंख भी स्टिक कर सकते हैं। और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम नीचे की तरफ बांसुरी को भी स्टिक कर लेंगे। तो बांसुरी को स्टिक करने के बाद ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और हम थोड़ा बांसुरी को और भी डेकोरेट करेंगे, इसलिए यहाँ पर आप चाहें तो किसी भी स्टोन या फिर मिरर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस बांसुरी को भी डेकोरेट कर लेंगे और कुछ इस तरह से ये हमारा खूबसूरत सा वॉल डेकोर बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, इस तरह के DIY को आप बहुत ही कम खर्च में क्रिएट करके अपने घर को तो डेकोरेट कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ इस फेस्टिवल सीजन आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इस तरह के DIY गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये खूबसूरत और एकदम यूनिक DIY आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फेस्टिवल DIY देखने को मिल सके। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे इसी तरह के खूबसूरत होम डेकोर DIY और वेस्ट मटेरियल रियूज आइडिया शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।